Hey guys, it's Shanak. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, आज हम Wild Lens by Abrar की latest video पर add करने वाले हैं, जिसमें he has landed in India. इससे पहले भी उन्होंने एक video डाली थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने अपनी bike ship करवाई है to India. तो इस video का title है Landed in India, $250 fine and immigration process, Pakistani on Indian tour. तो ये यहाँ पे इन्होंने hashtag डाला Kochi का, तो most probably Kochi land हुए हैं. सो गाइज, अगर आप लोग अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो ये रहे हमारे दो इंस्टाग्राम हैंडल, बहुत दिन हो गए ना, तो ये रहे हमारे दो इंस्टाग्राम हैंडल्स. प्लीज डू फॉलो अस. एंड इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक, ओरिजिनल चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. प्लीज डू चेक आउट द ओरिजिनल लिंक, ओरिजिनल चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन. यहाँ पे जी ये मेरा सारा का सारा सामान पड़ा हुआ है, तीनों बैग जो है वो साइड पैनियर्स और पीछे वाला जो टॉप. फाइनली टाइम आ गया कि हम बोर्डिंग करते हैं. वेलकम टू इंडिया. ओ वेलकम टू इंडिया. मैं 9500 यस. व्हाट अ नाइस. एंड देन 50 रुपीस. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. जहाँ पे मैं अपना मिडिल ईस्ट का टूर ख़त्म करने के बाद इधर जब मैं पहुँचा था, और एक्चुअली मैं ओमान में था जब मुझे पता चला था कि मेरा इंडिया का वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया है. आप लोगों का पता है कि मैंने ऑलरेडी जो है 2020 में अप्लाई किया था, फिर मैंने 22 में अप्लाई किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों बार जो है ना, फर्स्ट टाइम कोविड की वजह से और सेकेंड टाइम जो है आई एम नॉट श्योर किस वजह से जो है वो वीज़ा जो है वो नहीं मिल सका था, लेकिन तीसरी बार जो है वो हमारे लिए बहुत लकी साबित है. आज हमारे पास वीज़ा है और हम इंशाल्लाह जो है दुबई से फ्लाइट लेंगे और पहुँचेंगे केरला में कोची के लिए. तो रात को तकरीबन 9:45 के करीब हमारी फ़्लाइट है. अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, लेकिन इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए हमने अपने जो सारा सामान है ना उसको अच्छी तरह से पैक करना है. बाइक जो है मेरी ऑलरेडी दुबई से शिप हो चुकी है, आपने पिछले ब्लॉग में वो देख लिया होगा, लेकिन उसके ऊपर जितना लगेज था वो सारा का सारा मेरे पास है. मेरी कोशिश थी कि मैं वो भी साथ भेज दूं, लेकिन जो शिपिंग कंपनी थी वो कह रहे थे कि हो सकता है कि आपको कस्टम की वजह से कोई इश्यूज़ आएँ, उसमें जो है वो डिले आ सकता है बाइक को वहाँ से क्लियर करवाने में, इसलिए बेहतर ये कि सिर्फ और सिर्फ बाइक भेजें, बाकी सारा सामान जो है वो अपने पास रखें. तो वो मेरे पास है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उसके साथ हम कर क्या रहे हैं. यहाँ पे जी ये मेरा सारा का सारा सामान पड़ा हुआ है, तीनों बैग जो है ना वो साइड पैनियर्स और पीछे वाला जो टॉप के ऊपर जो बैग है, और साथ में ये एक डब्बा है, इसके अंदर वो चीज़ें रखनी हैं जो मैं साथ लेके नहीं जा रहा, उसमें मेरा जो है वो कैंपिंग गियर है जो मैं इंडिया में साथ नहीं लेके जा रहा. इसके अंदर जो है ये हमारा जो है वो हेलमेट है, हेलमेट जो है वो कहते हैं कि आपको लेके जाने की इजाज़त अक्सर नहीं मिलती, इसलिए मैंने कहा उसको पैक करते हैं किसी एक डब्बे में. ये हमने कार्टन्स वगैरह जो है वो इधर 2-3 ला के रखे हुए हैं. यहाँ पे है मेरे ग्राई या आप हमसाए भी कह सकते हैं, उधर ननकाना साहब से इनाम है, और ये इनकी गाड़ी खड़ी है जिसके अंदर हम सामान अभी जो है वो थोड़ा सा सेट कर लें, किस तरह उसको जो है वो बैग को ज़रा तमीज़ से कुछ ना कुछ हो जाए कि ये ना हो कि हम जब एयरपोर्ट पे पहुँचे तो हमारा सारा सामान जो है वो खुला दें, उसको उस हिसाब से हम सेट कर लें.
टूर जैसे मैं मिडल ईस्ट का ख़त्म करूँगा उसके बाद मैं 2-3 महीने गैप लूँगा और फिर जो है वो इंशाल्लाह तब तक वीज़ा भी आ जाएगा। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर मैं ओमान में जब बैठा हुआ था तो अचानक से मुझे ईमेल आई कि आपका वीज़ा जो है वो इशू हो गया, और अब वीज़ा जो है उसकी वैलिडिटी उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आप जो है आपको वीज़ा इशू होता है। लेकिन ये वीज़ा 30 डेज का तब स्टार्ट होगा जब आप इंटर हो जाएंगे। 30 डेज आपको इंटर होने के लिए मिलते हैं, और उसके बाद अगर जिस दिन आप इंटर हो जाएंगे फिर आपको जो है वो 30 डे मिलेंगे। तो मेरे पास जो इंडिया का वीज़ा है वो सिर्फ 30 डेज़ का है अनफॉर्चुनेटली, और आपको पता है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा है, 30 दिनों में हम हो सकता है कि हार्डली कोई 1-2% देखें, लेकिन वो तो अभी हम जब पहुँचेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप हमारी फ़्लाइट में जी अभी तकरीबन कोई 4 घंटे जो है वो बचे हैं, तो एयरपोर्ट हम जाएंगे। मैंने कहा कि एयरपोर्ट जाने से पहले ज़रा खा लें, और खाना खाने के लिए आज हम किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में नहीं आए क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से पाकिस्तानी खाना खा रहा था। हम आए एक अफगानी रेस्टोरेंट में, और हमारे सामने आई है ये इनकी कढ़ाई है, बोनलेस कढ़ाई है, और उसके अलावा हमने साथ में इनका काबली पुलाव मंगवाया जो कि आई थिंक वो इनका फेमस होता, अभी तक वो आया नहीं है, उम्मीद है कि अभी लेके आ जाते हैं। मुझे आवाज़ आ रही है, शायद आ ही है अभी हमारे सामने। बहुत शुक्रिया भाई, ये देखिए जी, देखने में तो बहुत ही मज़े का लग रहा है, और साथ में वो किशमिश काबली पुलाव हमेशा इसके साथ आता है। मैं अभी आया हूँ जो एस लग्जरी इमिग्रेशन के ऑफिस में। मेरे साथ हैं लवदीप पाजी, जिनसे स्पेशली आपको मैं मिलवाना चाहता हूँ। साथ में इनकी वाइफ हैं शरीन, और यहाँ पे खड़े हैं सैयद साहब। तो ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि एक वो पाकिस्तानी इंडियन कंपनी ऐसी, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टनर आप लोग हैं, एक यहाँ पे, एक एक्चुअली पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मेरा ऑफिस है। हाँ, शाहरुख साहब तो वो वहाँ पे हैं, तो थोड़ा सा बता दें आप लोग, मतलब पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में हैं, कहाँ कहाँ पे हैं? हाँ जी जी, वी आर लॉयर्स, हम लॉयर हैं, वकील हैं, इमिग्रेशन लॉ हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारा कनाडा में भी ऑफिस है, हमारा दुबई में भी ऑफिस है, इन पाकिस्तान वी हैव एन ऑफिस इन इस्लामाबाद, कराची में हम खोल रहे हैं ऑफिस, इंडिया में वी हैव द रेजेंट्स एंड सैटेलाइट ऑफिसेज। हम बेसिकली वी आर इन टू कनेडियन इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप बाई इन्वेस्टमेंट, जो सेकेंड पासपोर्ट जिसको कहते हैं, वी डू ऑल दीज केसेस। रिगार्डिंग इमिग्रेशन मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करता चाहूँ कि वो लोग जिनका अच्छा बिजनेस, अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है और उनकी ख्वाहिश है कि वो अपनी फैमिली के साथ किसी और मुल्क में जा कर सेटल हों, तो ये लोग उन लोगों की हेल्प करते हैं, ना सिर्फ कनाडा बल्कि दुनिया के और मुख्तलिफ मुल्कों में भी सेटल होने के लिए। लेकिन ये लोग कोई स्टूडेंट वीज़ा क्यूरीज या नॉर्मल वीज़ा क्यूरीज वो हैंडल नहीं करते। इंडिया दिखाओ, तो काइंड अगर आपको इनकी सर्विसेज में इंटरेस्ट हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर जाकर इनसे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। इनाम साहब कैमरे के पीछे हैं, कैमरा मैं जो है ना इनसे मोबाइल अपना ले लेता हूं, और इनको जो है वो शुक्रिया बोलते हैं। बहुत शुक्रिया सर, खैरियत से जाएं, और क्योंकि हमारा जो है वो आगे अभी लंबा सफ़र होगा, और साथ साथ जो है यहां पे कैमरे की इजाज़त नहीं है, इसलिए हम जो है ना अगली फुटेज है वो मोबाइल से बनाएंगे। हमारी जी फ्लाइट है टर्मिनल 2 से, और टर्मिनल 2 नहीं है, टर्मिनल 3 एक्चुअली, ये वाला जो जहाँ से मोस्टली जो है वो एमरेट्स की, या सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि एमरेट्स की ही फ़्लाइट्स जाती हैं। और ये सारा का सारा हमारा सामान है जो हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, आपको वैसे दिखाई दें ये बड़ा कंट बॉक्स जो हमने बनाया था, और साथ में ये दोनों जो है वो बैग, और ये हम हैंड कैरी सिर्फ ये एक छोटा बैग अपने साथ रखेंगे। यहाँ से इसको करवा लेते हैं रैप, ताकि हमारा सामान जो है वो सेफ एंड साउंड जो है वो पहुँच जाए। हाँ, एमरेट्स वाले कर रहे हैं, रैप करेंगे।
हाँ जी, इनको कर दें और उसको अलग यहाँ से करना, उधर से करना, हाँ नहीं रैप करना, इसको 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 करें रैप। रैप ही हो गया और देखें दो पीस जो हमारे बन गए और उन्होंने हमसे यहाँ पे एक्चुअली ये एमरेट्स की सर्विस है, उन्होंने 40 दिरहम लिए जो कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप $11 बन जाते हैं, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव अगर आप कंपेयर करें आप इसको बाकी काफ़ी जगहों से। तो एक साइड पे जो यहाँ पे इनके सेल्फ चेक इन काउंटर्स हैं जो कि काफ़ी लोग जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ अपना सामान जो है वहाँ पर रख रहे हैं जिन्होंने स्पेशली ऑनलाइन चेक इन कर लिया, और दूसरी साइड पे इनके कुछ लोग भी खड़े हैं जो कि असिस्ट कर रहे हैं चेक इन करने के लिए। तो कुछ एरियाज उन्होंने बताए, हमने जाना है जी एरिया नंबर 4 में। चेक इन हमारा हो चुका है, सामान हमने दे लिया और यहाँ पे 9:45 पे जो कोची की फ़्लाइट है वो B18 से जा रही है। बाकी चेक इन की बड़ी हमारी स्टोरी रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, पर यहाँ से हमें जो है वो किस तरह अभी B18 तक जाना है वो ढूंढना है। यहाँ से वैसे तो जो है वो ट्रेन चल रही है लेकिन ये सिर्फ एक ही तरफ लेके जा रही है। और जो लोग दुबई आते हैं और उन्हें बाद में जो है ना वैट रिफंड करवाना वो बिल्कुल इसके बाद जो है सिक्योरिटी के बाद यहाँ से करवा सकते हैं। हम जो है अभी यहाँ से ये लिफ्ट लेके जाएंगे जी ऊपर B18 की तरफ। गेट हमें जी अपना मिल चुका है और यहाँ पे क्योंकि फ़्लाइट में पूरे 2.25 घंटे हैं तो मैंने क्या बजाया ये कि गेट पे वेट करें, हम आ गए कोस्टा कॉफ़ी वालों के पास और साथ कॉफ़ी भी मिल गई यहाँ पे, मेरी फेवरेट कैपेचिनो। अब मैं आपको सुनाता हूँ जी अपनी स्टोरी चेक इन की। मेरे पास जो चेक इन में लगेज अलाउ था वो था 25, मैंने 15 kg जो है वो एक्स्ट्रा परचेज़ किया, 40 kg अलाउ हो गया। मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा इतना ही वेट होगा कितना और हो जाएगा। तो यहाँ पे जब उसने वेट किया तो वो कहती है कि 820 दिरहम जो है वो ज़्यादा देने आसान हो रही है अभी। अजान हो गई है जी यहाँ पे और मैं आपको बताता चलूँ कि 53 kg हमारा यहाँ पे जब उसने वेट किया था निकला है और मैं बड़े आराम से कह रहा था शायद 40 से भी कम हो जाएगा, तो 40 तो हमने बुक किया था, जो ऊपर का 13 kg था उसके उसने डाले हैं जी 820 दिरहम क्योंकि ऑलमोस्ट $240 के आसपास बन जाते हैं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन करते तो सस्ता पड़ता है लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, गलती हमारी है, मुझे खुद आइडिया हो जाना चाहिए था। अभी मेरे जहन में वो चीज़ें आ रही क्योंकि टूल्स वगैरह जो थे वो 10-10 kg तो उनका वेट है, फिर मेरे राइडिंग बूट्स हैं, हेलमेट है, जैकेट्स हैं, प्रोटेक्शन गियर है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शायद वो हिसाब ही नहीं मैंने उसमें का लगाया था, क्योंकि घर से जब मैं निकलता हूँ मेरे पास होता है मैं उससे जो है वेट वगैरह कर ले, तो यहाँ पे मेरे पास था नहीं, मैंने सिर्फ अपना एक तुक्का ही लगाया लेकिन वो हमारा कामयाब नहीं हुआ, बड़ा हमें महंगा पड़ा। अभी कुछ नहीं हो सकता, आराम सुकून से कॉफ़ी पीते हैं वो हमारे पास है और दुआ करते हैं कि हमारा अगला सफ़र जो है वो अच्छा गुजरे। सो जी फाइनली टाइम आ गया कि हम बोर्डिंग करते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे जो है ना हमारी फ़्लाइट मुझे लगता है कि आज यहाँ से निकल जाएगी क्योंकि टाइम के साथ साथ ही जो है वो सब चल रहा है, वो देखते हैं किस तरह का हमारा अगला सफ़र रहता है। फ्लाइट हो गई है लैंड और लेट्स सी कि अब हमारा
हमारा जो अगला इमिग्रेशन वाला होगा प्रोसेस वो किस तरह से चलता है। और ये है जी कोची का एयरपोर्ट, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और यहाँ पे एक्चुअली हमें जब एक फॉर्म फिल करना था फॉरनर्स के लिए, छोटा सा फॉर्म, तो आप कह सकते हैं कि एक कार्ड टाइप है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो फिल करनी है, वो मैंने फिल कर लिया है, अपने होटल का एड्रेस वगैरह उसके ऊपर डाल दिया। ये भाई साहब का जो बैग खुल गया है और हम जो है ना इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। वेलकम टू इंडिया। ऑनेस्टली मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं अभी जो है वो किस तरह अपनी एक्साइटमेंट जो है ना उसको आपके साथ जो है वो शेयर कर सकूं। जब मैं इमिग्रेशन पर पहुंचा था तो मुझे लग रहा था या अल्लाह कुछ ओरिजिन की वजह से ना मसले ना कर दें, लेकिन मुझे कह सकते हैं कि वन ऑफ दी नाइसेस्ट गाय जो आपके साथ बैठ के जिसने जो है वो जो भी क्वेश्चनिंग वगैरह की थी वो मैं आपको थोड़ी सी बाद में डिटेल में बताऊंगा। अभी हम लोग इनकी ड्यूटी फ्री शॉप से वो गुजर रहे हैं और सामने जाके अपना लगेज कलेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा अगला सफ़र कैसे जाता है। चेहरे से आप मेरे देख रहे हैं कि कितनी खुशी हो रही है और उसकी रीज़न आई थिंक बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे आएगा जी हमारा लगेज, काफ़ी ज़्यादा रश है क्योंकि बड़ी फ्लाइट थी इधर साथ में पीछे और दूसरी भी दो तीन फ्लाइट्स आई हुई हैं, तो सारी जो है ना ऑलमोस्ट सेम टाइम पे यहाँ पे जो है ना वो लैंडिंग हुई है। शारजा से है, दुबई से एक दो और हैं और ये अभी देखते हैं कितना टाइम हमें जो है वो यहाँ पर लगता है, होपफुली जल्दी आ जाएगा सामान। हमारा जी लगेज आ गया और हार्डली ही हमें यहाँ पर सारे प्रोसेस के अंदर को आधा घंटा लगा मेरे ख्याल में, हम यहाँ से ऑलमोस्ट जो है वो फारिग हो चुके हैं। तो अभी हम निकलते हैं आगे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे मैं मनी एक्सचेंज के आप पास आएँ क्योंकि मेरे पास इंडियन रुपीज़ जो है वो नहीं है और नदीन इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। मेरे पास कुछ उमानी रियाल थे तो मैंने 50 उमानी रियाल जो है वो यहाँ पे एक्सचेंज करवाएँ और उसके मुझे अराउंड जो है वो 10,000 इंडियन रुपीज़ मिल जाएंगे क्योंकि उमानी रियाल जो है वो काफ़ी आई थिंक 120-125 जो है वो US डॉलर बन जाते हैं, तो इनसे हम एक्सचेंज करवाते हैं। और उसके बाद जो है ये सामने जो आप देख रहे हैं ना यहाँ से हमें जो है वो टैक्सी मिल जाएगी, तो ये टैक्सी लेते हैं हम लोग। सो नाउ नितिन इज़ गिविंग मी अराउंड 10,000 इंडियन रुपीज़। थैंक यू वेरी मच। सो आई हैव टू साइन इट हियर। Yes. 200 plus 1. Yeah. 300. 9,000. And then 50 rupees. 9,850 rupees. Thank you very much. Yes, sir. Appreciate it. Thank you. अब लेते हैं जी यहाँ से टैक्सी और ये गांधी जी के पिक्चर वाले जो नोट इंडियन रुपीज़ हैं ये एक्चुअली मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं और इससे पहले मैंने कभी देखे भी नहीं है इंडियन रुपीज़ क्योंकि यहाँ पे आए नहीं हूँ और ना ही कभी किसी इंडियन दोस्त से मैंने जो है ना वो ले के उनको चेक किया है। ये हमारे पास 500 वाले हैं। अभी यहाँ पर हो सकता है हमें 5-7 मिनट लग जाए, रश थोड़ा सा यहाँ पर कम हो चुका है। सो हम लोग जी टैक्सी बुक कराने के बाद जा रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर। वैसे तो यहाँ पर भी ATM लगी हुई थी, यहाँ से निकलवा भी सकता था क्रेडिट कार्ड से, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था इसलिए मैंने मनी एक्सचेंज करवाई है। तो अभी जाके हमने बाहर जो है टैक्सी ढूंढनी है। ये इस तरह का एक जो है उन्होंने फॉर्म दिया है जिसके ऊपर टैक्सी हमारी बुक हो गई है और इसके उन्होंने हमसे लिए हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट $15 तकरीबन 1,250 इंडियन रुपीज़ बन जाते हैं। और ये है जी हमारी टैक्सी जिसमें अपना सामान हमने रख दिया है। तो आगे बैठते हैं, मैं जो वो गलत साइड पर जा रहा था क्योंकि यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान वाली साइड ही जो है ना वो ड्राइव होती है। टैक्सी में जी मेरे साथ हैं बशीर भाई और हम लोग अभी ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर की हमारी राइड बनेगी ना। इनको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, इंग्लिश जो है वो भी गुजारा कर लेते हैं। तो यहाँ पे रात की वजह से जो है ना अभी कुछ बाहर ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जितना हमारा प्रोसेस था एयरपोर्ट इमिग्रेशन से लेके और आगे टैक्सी तक का बड़ा स्मूथ रहा। मतलब आप कह सकते हैं क्वाइट इम्प्रेसिव कि कुछ जगहों पे आप जाते हैं ना तो आपको समझ नहीं लगती कि आपको टैक्सी कैसे लेनी है, ये वो सारी चीज़ें, तो बिल्कुल एक के बाद एक जो है ना वो स्टेप वाइज सारी चीज़ें थी। काफ़ी अच्छा लगा, मतलब
तीन बजे हम शायद लैंड हुए और चार बजे जो है ना हमें टैक्सी में बैठ के जो है ना वो जा रहे हैं, तो हो सकता है कि और आधे घंटे तक हम जो है होटल भी पहुंच जाएंगे। सिर्फ एक मसला हुआ था, मैंने वहाँ पे जो यूएई में था तो एक होटल बुक किया था, उस होटल ने मुझे बाद में मैसेज भेज दिया कि भाई हम तो फुल हैं, तो वो उनके सिस्टम में एरर थी तो वो फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया। अभी मैंने दोबारा एक होटल बुक किया, हमें जो अपना होटल मिल गया और बिल्कुल होटल के सामने जो है यहाँ पर रहते, कितने खूबसूरत जो है वो फूलों के स्टॉल लगा हुआ है और सुबह सुबह जो है ना अभी फजर का ऑलमोस्ट यहाँ पे टाइम है। और ये है जी हमारा होटल, अभी चलते हैं अंदर होटल की तरफ ही। और हमने होटल में चेक इन कर लिया जी, ये है जी हमारा रूम, काफ़ी खूबसूरत और देखने में तो पहली नज़र में काफ़ी अच्छा लग रहा है। छोटा सा रूम है लेकिन क्वाइट कंफर्टेबल, और इधर जो है जो वॉशरूम है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिसेंट है, काफ़ी अच्छा है, मतलब जिस तरह की तस्वीरें थी ना उसी तरह का निकला है, क्योंकि कुछ जगहों पे उन्होंने होटल्स की इतनी प्रोफेशनल तस्वीरें खींची होती हैं कि जब आप वहाँ पर आते हैं तो वो इस तरह के लगते नहीं है जितने, लेकिन क्वाइट इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा होटल है। और इसके मैंने पे किए पर नाइट $35। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे इंडिया में प्राइसेस जो है किस तरह की, अगले आने वाले दिनों में हम ट्रैवल करेंगे तो हमें पता चलेगा, लेकिन क्योंकि पहले दिन जब आप जाते हैं तो इमिग्रेशन वाले जो है ना वो अक्सर आपसे होटल की बुकिंग जो है वो मांगते होते हैं, इसलिए ज़रूरी होता है कि ऑनलाइन बंदा बुकिंग जो है वो करके ही जाए, इसलिए मैंने ये की। और इमिग्रेशन पर उन्होंने मुझसे पूछा भी, और वो एक जो छोटा सा उन्होंने पेज दिया था फ्लाइट में ही उसके ऊपर भी उन्होंने एड्रेस मांगा था, तो वो फिल आउट करना जो है वो ज़रूरी है। बाकी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं की, उन्होंने तकरीबन कुछ 10 मिनट का इंटरव्यू लिया होगा और उसमें पहले तो उसको उनका था क्योंकि हम लगते तो सारे एक जैसे ही हैं, तो मुझे कहते हैं कि आप इंडियन हैं, मैंने कहा कि नहीं, फिर उसने कहा कि पाकिस्तानी ओरिजिन, मैंने कहा जी बिल्कुल मेरा पाकिस्तानी ओरिजिन है, ननकाना साहब का नाम लिखा हुआ था पासपोर्ट के ऊपर, जर्मन के ऊपर जो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ होती है। तो उसके बाद उसने जो है ना छोटे मोटे से सवाल पूछे, इटिनरी का पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने बताया कि मैं यहाँ से लेके आके जो है वो दिल्ली की तरफ जो है वो बाइक राइड करके जा रहा हूँ, और उसने कुछ खास नहीं पूछा, होटल का पूछा था और दैट्स इट। मेरे ख्याल में और कोई इस तरह के क्वेश्चन थे नहीं, बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन, बाकी अगर कोई इस तरह के डिफ़िकल्ट से होते या कुछ इस तरह की चीज़ें पूछी होती तो फिर तो बंदे की इतना जेन में रहती हैं। बाकी ओवरऑल बाद में उसने ये कहा कि वेलकम टू इंडिया, और हम भी आप लोगों को कोशिश करेंगे कि इंडिया को जितने अच्छे तरीके से मैं कवर करके दिखा सकता हूँ ज़रूर दिखाऊंगा। अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, ऑलमोस्ट हमारी जो है ना वो रात सारी गुजर गई ट्रैवल में ही, आराम से कुछ घंटे रेस्ट करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में हमने जाके अपनी बाइक पिक करनी है, तो उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारा जो सफ़र और वो भी हमारा जो प्रोसेस है वो ईजी रहेगा। तो हमें याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़। लवली। तो गाइज मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, एंड द वे ही वॉज एक्सप्लेनिंग ना कि सब कुछ इतना स्मूथ रहा, हाँ कि अच्छा लग रहा है, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछा, देखने में फॉर ऑल दोज लिटिल थिंग्स दैट ही हैज़ अप्रिशिएटेड इंडिया, कि वहाँ पे जो इंटरव्यू हुआ उसमें भी कोई स्टूपिड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, नॉर्मल क्वेश्चंस ही पूछे गए, एंड देन आई सेड वेलकम टू इंडिया। तो ये बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है, एंड ये आगे भी अभी इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे 30 डेज में, कहाँ कहाँ जाएंगे ये सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, यहाँ का खाना एक्सप्लोर करेंगे और बाइक राइड करते हुए दिल्ली जाएंगे, तो देर इज़ सो मच टू एक्सप्लोर, एंड आई वुड लव टू सी द ब्लॉग्स, आने वाले ब्लॉग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और सही होने वाले हैं। एंड मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने बोला कि मतलब क्योंकि हम सब इंडिया और पाकिस्तान, हम सब लगते थे कि जैसे नहीं, देखने से कभी पता नहीं चलेगा कि कोई इंडियन है या पाकिस्तानी, तो ये बात भी उन्होंने बोली, और अच्छा था ब्लॉग, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट इज़ मतलब आई कुड सी द एक्साइटमेंट ऑन हिज फेस दैट इज़ टू एक्साइटेड टू बी इन इंडिया, एंड आगे आने वाले ब्लॉग्स भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। सो गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे आने वाले इनके ब्लॉग्स पे भी रिएक्ट करूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना, मैं ज़रूर करूँगी। सो गाइस दिस वाज माय रिएक्शन, एंड आई रियली होप दैट यू लाइक इट, एंड इफ यू डिड दिस वीडियो को लाइक कर दो, बहुत सारे कमेंट्स कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस दिस इज द ब्लॉग साइनिंग ऑफ, आई लव यू गाइस।